प्रसिद्ध नाटककार श्री विजय तेंदुलकर की अत्यंत विवादास्पद और बहुचर्चित कृति सखाराम बाइंडर का सशक्त और प्राणवान अनुवाद, जिसने रंगमंच पर दाम्पत्य जीवन की गोपनीय नैतिकता का साहसपूर्ण ढंग से पर्दाफाश किया है। सरकारी नियंत्रण को चुनौती देकर उच्चतम न्यायालय से लेखकी अभिव्यक्ति के आधार पर मान्यता पाने वाला अपने ढंग का अकेला और अनूठा नाटक है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि वो आडंबरों से भरी दिखावटी सभ्रांतता को पहली बार इतने सक्षम ढंग से चुनौती देता है। रटे रटाए मूल्यों को सखाराम ही नहीं, इस नाटक के सारे पात्र अपनी पात्रता की खोज में ध्वस्त करते चले जाते हैं। जिन नकली मूल्यों को हम अपने ऊपर आडंबर की तरह थोप कर चिकने चुपड़े बने रहना चाहते हैं, उसे सही सही इस आईने में निर्ममता से उघड़ता हुआ देखते हैं। सखाराम बाइंडर वही आईना है। आखिर सखाराम बाइंडर पर इतना हो हल्ला क्यों? आखिर ये सब क्यों? आइए देखते हैं नाटक सखाराम बाइंडर। सातवीं साली जिसको निकाला है इलाके से, यदि मैं देव हूं उसका ढूंढने की जाएगी इस घर की साली। बाप रे, कितना मारा बेचारी को, मर जाएगी ऐसे तो। उठ लक्ष्मी, ए लक्ष्मी उठ, तू मेरे साथ अंदर चल लक्ष्मी, चल उठ। ए अंदर नहीं, बाहर कर उसे। देखो पेट में लगी, मैं तेरे को पानी पिलाती लक्ष्मी, तू चल उठ लक्ष्मी। पानी नहीं, उसको बाहर निकाल, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। 14 साल से यही कर रहा हूँ मैं, सिर्फ गरजू औरतों को घर पर रखता हूँ। निकाल इसे बाहर। चल लक्ष्मी, आजा आजा आजा, आ लक्ष्मी आजा। ए, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? इसको निकाल के बाहर कर साली, निकाल। बैठ। ए, हम कौन होती उसे बाहर निकालने वाली? तो हमारे बीच में तू क्यों बोलती है? इसलिए बोली कि तू तो चला जाएगा जेल, चक्की पीसेगा, और ये यहां साला 1.5 बित्ते का गड्ढा भरने के लिए हर दफे एक नया ग्राहक लाना पड़ेगा। साला इन 10 जानवरों की नोच खसड़ से अच्छा है एक की सहन करूं मैं, इसलिए मैं बीच में बोली। ये दो दो औरतों को घर पर रखना हमारी बस की बात नहीं। ठीक है, हम चली जाती है। तेरे को जाने के लिए किसने कहा? जाएगी तो वो साली। ए, निकल बाहर, निकल बाहर। मैं उसे समझा रही हूँ, तू बैठ बैठ, शांत हो जा। निकाल उसको साली को। कहती है साला देव हूं, इस घर की धूल लेके जाएगी, बताऊंगी तेरे को। ले पानी पी। क्या कह रही है, जा रही कि नहीं? समझा देगी मैं उसे, तू पानी पी। तेरे को भी गरूर चढ़ गया, क्या करेगा, मारेगा ना? मौका मिलेगा तो मार डालूंगा तेरे को। मार खलेगी मैं। चाय लाती। सारी कहती है देव दूर लेके जाएगी इस घर के, दूर लेके जाएगी। चल ले चाय पी। बिचारी के पास कोई ठोर ठिकाना भी नहीं है, कहाँ जाएगी? मर जाए, ठेका ले लिया मैंने, धर्मशाला है ये, निकालो उसे बाहर। लक्ष्मी खाना देती मैं तेरे को। बात जाती तो नहीं, चल बाहर। खाना खा,
क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए। बस यार ऐसे ही। लेकिन यार सखाराम, आज यार तेरी इस मृदंग की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वही पुराने दिन लौट आए हों यार। वही दिन यार जब वो पुराना पंछी था लक्ष्मी भाभी, कैसा लगता था यार तब। दाऊद भाई, दाऊद भाई। अरे वाकई में लक्ष्मी भाभी? क्यों सखाराम, एक से दो पंछी हो गए यार चंपा फुर। सखाराम तुमने। मुझे मरना है और मर चाहिए।
मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। किसके लिए जियो? नौकरी चली गई, औरत चली गई, घर भी चला गया, मुझे नहीं जीना। बसो बसो, चुप हो जा भाई, मत रो, है ना? कोई आ जाएगा घर में, वो आ जाएगी तो बवाल मचाएगी। चलो उठो उठो, है ना? तुम फिर आना। हाँ मैं रहूँ तभी आना, मैं खाना दूंगी तुमको। वो रहे तो मत आना, नहीं तो बहुत मारी भी। चल चल, अरे अरे, संभल गए, संभल गए भाई। हाँ फिर आना। हाँ मैं खाने को दूंगी तुझे। बाप रे बाप, कैसी औरत है, चल डालियम कहीं की। हाँ अपने आदमी को मारती है, बताओ कहीं भला नहीं होगा। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इसकी। अरे बाप रे बाप, क्या औरत है, क्या औरत है। सीताराम देखा? ए लक्ष्मी। हाँ कौन आया था? कौन आएगा घर में? तू घर में थी ना? हाँ। कौन आया था? मुझे क्या मालूम कौन आएगा। ये झोला किसका है? झोला? कौन सा झोला? ये झोला, मरद आया था मेरा, मरद आया था मेरा। हाँ आया था। घर में काहे घुसने दिया तूने? अब खुद ही चला आता था तो मैं क्या करती। 400 पीसी करती है, 400 पीसी करती है, हड्डी पसली तोड़ देगी मैं तेरी, बहुत बुरी है मैं। याद है ना वो दिन, यहाँ पड़ी थी, रो रही थी, मैंने तुझे रखा घर में, यहाँ पे रहना है तो चुपचाप रह, काम कर साला। मैं आती है, तू काम कर।